दोड़ा पंचायत समिति के नव नियुक्त प्रधान प्रभुलाल आहारी की विजय में आज एक जुलूस निकाला गया। जुलूस में उसके कई समर्थक मौजूद रहे। साथ ही दोड़ा में एक सभा रखी गई जिसमें 84 विधायक राजकुमार रोत की उपस्थिति में नव नियुक्त दोड़ा प्रधान प्रभुलाल आहारी और उप प्रधान त्रिशाला परमार को पदभार ग्रहण करवाया गया। वहीं सभा में राजकुमार रोत ने कहा कि क्षेत्र के विकास के साथ ही शासन की जल कल्याणकारी योजनाओं से लोगों को लाभान्वित करा जाएगा और उसके लिए अहम भूमिका ये लोग अदा करेंगे। साथ ही अपनी कार्यशैली और अपने कर्तव्य का बखूबी निर्वहन करेंगे। कांग्रेस और भाजपा ने जिले की भोली भाली जनता के साथ विश्वासघात किया है, इसलिए इनका विरोध किया जा रहा है। बीटीपी के कांति आदिवासी ने कहा कि बीटीपी के सभी कार्यकर्ता हैं और सबको बारी बारी मौका मिलेगा, सब नेता बनेंगे, अब आदिवासी के साथ हो रहे अत्याचार नहीं सहेंगे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष वेलाराम घोगरा, अनुतोष रोत आदि बीटीपी के कार्यकर्ता वहां पर उपस्थित थे। एक बार सुनिए कि आखिर बीटीपी के विधायक राजकुमार रोत ने क्या कहा। जयपुर में बैठा हुआ कांग्रेस का बड़ा नेता या बीजेपी का बड़ा नेता दोनों छाटकाट करते हैं कि उदयपुर संभाग में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, एक फोड़ो तमें ले जो 17 सीटें ने एक फोड़ो हमें ले जाए था तो नहीं था तो। जयपुर में कब भी चुनाव होते, पूरे राजस्थान में चुनाव होते विधानसभा के, तो आज तक का इतिहास उठा के देख लो, कांग्रेस ना नेता इन हेत्तो पहल सभागृह स्टार्ट करते था तो नहीं था तो। और हमारे वसुंधरा भाई ये सभा हेत्तो पहल राजस्थान में अगर विधानसभा नी मीटिंग शुरू करता तो हेत्तो पहल की करता आदिवासी इलाका में करते ही। ये आज तक का इतिहास रहा है, क्यों करते थे ये लोग, उनको लगता था ये तो फ्री में वोट मिली जी जल्दी मिली जी, एक तरफा हम सिटी नकली जींगा। जयपुर में बैठे बैठे कहते थे भागर तय कर देगा, भागर वाले जिधर वोट करेंगे उधर सरकार बन जाएगी क्योंकि वहां से एक मुस्त वोट मिलेंगे और आपड़े बहन के ही मिली तू एक फुरोना होड़े ने एक फुरोना होड़े। आज जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि इस इलाके में जो वास्तविक टीएडी का जो हमारा पैसा आता है केंद्र से आता है राज्य से आता है वो धरातल पे लागू नहीं हुआ है। सरकार कहती है संविधान कहती है कि टीएडी का पैसा आदिवासियों के क्षेत्र में आदिवासियों के उद्यान के लिए आदिवासियों के विकास के लिए लगना चाहिए, लेकिन यह भाई हो कहता फलाना सेठ जिन गिरमोरी फलाना थाना मोरी फलानी कॉलोनी में करोड़ों रुपये विकास करना चो गांव में भाई आज भी हमारे तपड़ी रही जाएगी तपड़ रहे नहीं तपड़ रहे, इसलिए संगठन लाने की जरूरत पड़ी। आज हम देखते थे आज हमारे सामने एक घटना हुई कागरी डुगरी घटना, क्यों हुई इसका जिम्मेदार कौन है। अभी अभी हाल ही में एक घटना हुई है आसपुर वाली दरियावद में एक अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC News Wire का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC Wire का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।